गुड मॉर्निंग सो मूविंग फर्दर ऑन ज्योमेट्री वी विल टेक सरकम सेंटर ओके एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ ज्योमेट्री हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सरकम सेंटर का डेफिनेशन देखे थे एंड इट वॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेंडिकुलर बाईसेक्टर ओके एज स्पेसिफाइड अर्लियर पहले हम लोग बात कर चुके हैं इस पर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल द फर्स्ट बींगूट एंगल्ड ट्राइंगल ध्यान रहे इस बार हम लोग बात करने वाले हैं आज का पूरा एजेंडा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को समझना है ओके okay, लंब भी आधा भी जिसको हम लोग लंबार्धक कहते हैं हिंदी में सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल देन वी हैव राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड देन वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल ओके सो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं बेस्ड ऑन एंगल ओके पहला होता है न्यून कौन त्रिभुज सम कोण त्रिभुज ओके रफ अगर हम लोग रफ स्केल पर एक ट्राइंगल बना ले तो कुछ ऐसा आएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल विल बी सम लाइक दिस एंड ऑप्टूस एंगल ट्रैंगल विल बी लाइक दिस सम वट ध्यान देंगे दिस टाइम वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट मीन्स सरकम सेंटर जब कभी भी दिया रहे तो हम लोग केवल बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की दिमाग में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आना चाहिए दैट मीन्स नाइन्टी डिग्री भी होना चाहिए और आधा आधा भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओके okay, तो अगर प्रीवियस लेक्चर्स को आप फॉलो किए हैं तो पहला हम लोग बात किए थे सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइड में बात हुई थी मिड पॉइंट की आधा आधा फाइन ऑर्थो सेंटर में बात किए थे परपेंडिकुलर की मतलब नब्बे डिग्री की तो यहां पर देखो दोनों का कन्वर्जेंस है सम वॉट रिलेटेड विथ सेंट्रॉइड आधा आधा बाइ जिसको दो भाग में बांटे बाइस सेक्ट सेक्ट का मतलब भी होता है दो भाग में बांटना और परपेंडिकुलर आपके ऑर्थोसेंटर वाला परपेंडिकुलर मतलब वी कैन से सरकम सेंटर में जो कंसेप्ट होते हैं वो सेंट्रॉइड वाला आधा आधा ऑर्थोसेंटर वाला परपेंडिकुलर दोनों का मर्ज रहता है एनीवेज़ तो अगर हम लोग रफ स्केल पर बनाए पहले इसको नाम दे देते हैं लेटेस्ट सपोज फॉर योर कन्वीनियंस एबीसी ओके वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट मीन्स यहां पर कुछ आधा आधा दिस इज योर बाइसेक्ट और ये परपेंडिकुलर लाइक दिस आप खुद नहीं ऐसा अज्यूम करोगे कि ये वर्टेक्स से गुजरेगा गुजर भी सकता है नहीं भी गुजर सकता है जनरल ट्रेंगल में इट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वर्टेक्स से नहीं गुजरे ओके okay. किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ट्रैंगल में जैसे एक पार्ट ऑफ आइसोसिलस और इक्विलेट्रल ट्रेंगल उसमें यह वर्टेक्स से गुजरता है एनी वेज ये तो मेरा पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम लोग देखें ए से ये कहीं आधा आधा है यहाँ से अस सपोज नब्बे डिग्री ऐसे निकल कर आए ये नब्बे डिग्री भी होगा आप समझ लें इस बात को और ये आधा आधा होगा ये आधा आधा ये और ये बराबर है इसका अच्छा फॉर श्योर sure, ये हमेशा ऐसा ही होगा गुजरेगा इससे ही लाइक like दिस तो ये नब्बे और ये आधा आधा ओके तो हमको एक पॉइंट मिला तो ये पॉइंट कहलाया सरकम सेंटर अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि सरकम टर्म का मतलब कहीं ना कहीं सरकम फेरेंस से होता है आप पहले ज्योमेट्री में पढ़े होंगे सरकम फेरेंस एक सर्कल का ये कहलाता है सरकम फेरेंस फाइन परिधि जिसको हम लोग कहते हैं परिमाप ओके व्हाट वट एवर तो ये जो बाउंड्री होती है वही तो बेसिकली सरकम फेरेंस का है तो क्या उस सरकम का कुछ कनेक्शन है यहाँ पर फाइन तो कोशिश करेंगे समझने का एक ट्रायंगल में दिस इज अ प्रॉपर्टी ओके ये खास बात होती है किसी भी त्रिभुज में ओके प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ कि यहां से अस टेक दिस ब्लैक कलरिंग ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी हमेशा फिक्स्ड होती है ओके आप वापस से समझ लें एक बार यहाँ से जो हम ये ये वाली दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ से ये वाली दूरी की बात करें और यहाँ से ये वाली दूरी की बात कर रहे हैं ये वाली दूरी की बात कर रहे। यह हमेशा फिक्स्ड होती है जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है ओके अब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अपना एक्सेस रख दें ओके और आर को हम रेडियस ले लें तो क्या आपको एक सर्कल बनता ऐसा दिखेगा जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा फाइन और क्या आपको इस सर्कल के सर्कम पर यह ट्राइंगल स्थित दिखेगा फिर से सुनेंगे आप इस कैपिटल आर को अगर हम रेडियस ले लें ये पॉइंट को सेंटर ले लें तो ये एक ऐसे सर्कल बना जिसके सर्कम पर एक ट्राइंगल आया और उसका सेंटर ये है आई होप इसका नाम सर्कम सेंटर क्यों है ये आपको समझ आ गया फाइन तो एक ट्राइ एक सर्कम सर्कल का सरकम उस पर एक ट्राइंगल और उस सर्कल का सेंटर हेंस सर्कम सेंटर एनी वेज़ राइट एंगल ट्रेंगल की बात करें तो अब थोड़ा समझना आपके लिए आसान होगा हम लोगों का एजेंडा क्या है टारगेट क्या है आधा आधा मतलब इसका आधा कहीं यहाँ पे हुआ और यहाँ से 90 डिग्री खींच देना एनी वेज यहाँ से आधा आधा यहाँ पे कहीं या यहाँ ऐसे 90 डिग्री खींच देना मतलब ये 90 भी है और ये और ये बराबर भी है ओके लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर पेन फॉर दिस ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओके एंड दिस वॉज़ योर 90 डिग्री इवन एंड दिस वाज़ योर सेम एज़ दिस अच्छा अब खास बात कि ये यहाँ से गुजरेगा ही ओके तो ये और ये आधा आधा बराबर होगा बाईस और ये 90 डिग्री भी होगा क्या आपको यहाँ पर कंक्लूजन दिख रहा है कंक्लूजन दिख रहा है कि ये ये और ये हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पर मिल रहा है दिस मेक्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पर तो हम लोग देखे थे कि सरकम सेंटर लाइज विद इन द ट्राइंगल लेकिन यहां पर हम लोग देखे कि सरकम सेंटर लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन कंसेप्ट ओके इस पर क्वेश्चन बहुत होते हैं अब यहां से इसको अगर हम आर मान लें इसको हम आर मान लें और यहां से ये ऐसे ये इसके वर्टेक्स को जोड़ दें तो ये आर मान ले तो एक हमको सर्कल बनता हुआ ऐसे दिख रहा होगा ओके okay, तो इस सर्कल के सर्कम पर एक ट्राइंगल जिसका सेंटर ये हैं सरकम सेंटर ऑप्टिव सेंगल ट्रैंगल पे आते हैं तरीका समझ चुके हैं आप एक पॉइंट लेना है मिड पॉइंट करीब करीब और ऐसे करके खींच दिए 90 डिग्री ओके एक पॉइंट लेना है करीब करीब मिड पॉइंट और ये इस तरह से नब्बे डिग्री ऐसे खींच दिए ये नब्बे भी हो गया और ये और ये बराबर भी है मान लिया जाए एग्जैक्ट स्केल पर नहीं है हम बार बार कह रहे हैं और यहाँ पर ये 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 बराबर है फाइन इसमें अगर देखें हम तो कुछ हमेशा इसी पॉइंट से गुजरेगा ये दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री हैंस वन लाइक दिस एंड लाइक दिस ओके बराबर ये और ये बराबर ये और ये बराबर ओके okay. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हमको मिला लेकिन इसमें एक खास चीज दिख रहा है कि ये पॉइंट हमेशा ट्राइंगल से बाहर दिख रहा है सरकम फेरेंस सरकम सेंटर सॉरी लाइज आउटसाइड दी ट्राइंगल ओके अब अगर इसको हम एक्सेस ले लें और यहाँ से ये जोड़ दें ये या ये या ये तो ये हमेशा कैपिटल आर होगा जैसे कि यहाँ पर हुआ था ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर तो ये तीनों कैपिटल आर कहलाएगा यहाँ पर दिस वॉज योर आर एंड दिस वॉज योर आर ओके एक अगर हम ट्रैंगल बनाना चाहें तो इट विल बी सम वॉट लाइक दिस ओके नॉट एन एग्जैक्ट स्केल लाइक दिस तो व्हाट वी कंक्लूडेड वी कंक्लूडेड कि सरकम सेंटर के केस में एक्यूट एंगल ट्राएंगल में ट्राइंगल के भीतर होता है राइट एंगल ट्राएंगल में एट दी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनिवस होता है और ऑपक्यूस एंगल ट्रैंगल में इट लाइज ऑलवेज आउटसाइड दी ट्रैंगल ओके सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ सर्कम सेंटर इस पर किस तरह के सवाल होते हैं वो हम लोग फर्दर क्लासेज में देखेंगे दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू